सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो महिमा से भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके वचन में चंगाई, उसके वचन में छुटकारा, उसके वचन में उद्धार है। आइए उसके वचन को देखते हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 8 से। योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 8 से आइए देखिए। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम को प्रकट करता, अपने काम को करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है, जिसमें एक बार की बात है कि ये यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले वार्तालाप करते, जिसमें से चेलों में से एक फिलिप्पुस नाम का एक चेला है, जो कि यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, जिस पिता की बातें तू बार बार मुझसे कहता है, जिस पिता का नाम, जिस पिता की जिक्र बार बार तू हमसे करता है, काम कर मुझे उस पिता को दिखा दे, मुझे उस पिता को देखना है कि वो पिता कौन है, कैसा है। फिलिप्पुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे उस पिता को दिखा। तब यीशु मसीह ने जब ये बातें सुना, फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु मुझे उस पिता को दिखा दे, क्योंकि मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि मैं पिता को देख लूंगा, सब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। यानी कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे। इतनी बातें सुनने के बाद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, कहा कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? कहता है कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने ये बात उससे कहा, फिलिप्पुस सोच में आता है, वह सोचने लगता है अपने मन में कि अरे मैं तो पिता को देखने की बातें करता हूं, यह हमारा प्रभु हमें अपने आप को क्यों दिखा रहा है? वह कहता है प्रभु मुझे पिता को दिखा दे, यही मेरे लिए बहुत है। यीशु मसीह ने कहा, देख जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तू क्यों ये बातें कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? कहता तू इस बात पे विश्वास नहीं करता कि पिता मेरे अंदर है और मैं पिता के अंदर हूं? अरे ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं ना, मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु पिता मेरे अंदर होकर ये बातें, परंतु पिता मेरे अंदर रहकर इन सारे कामों को प्रकट करता है, सारी बातों को प्रकट करता है। कहता जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, जो काम तुम देख रहा है ना, ये मैं अपनी ओर से नहीं, परंतु पिता मेरे अंदर रहकर अपने कामों को प्रकट करता है।
इसलिए तू मेरे ऊपर विश्वास करो, इसलिए तू मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अगर तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं होता तो मेरे कामों को ही देखकर विश्वास करो, मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, उन कामों को देखकर विश्वास करो कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं, गूंगे बोलते हैं, इतना ही नहीं परंतु मुर्दे जिलाए जाते हैं। कहता है इन सारे कामों को देखो और देखकर विश्वास करो ना कि मैं पिता में हूं, पिता मेरे अंदर रहकर इन कामों को प्रकट करता है। और तू क्यों बार बार कहता है मुझे पिता को दिखा दे? क्या तू मुझे नहीं देखता और मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं? क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, क्योंकि पिता मेरे अंदर है और मैं पिता के अंदर हूं। सच में मेरी प्यारी भाई, यीशु मसीह ही हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है, जो उसने स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे बीच में रहकर अगम अविनाशी विराट रहते हुए वो अपने आप को शून्य बना। इसलिए जो कोई व्यक्ति उसकी सुनता है वह पिता की सुनता है, जो उस पर विश्वास करता है वह पिता के ऊपर विश्वास करता है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करने वाला है, वह हमें स्वर्ग में ले जाने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उस प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, उस प्रभु की सुनिए, क्योंकि वही है जो आपके प्राणों का उद्धार करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूं, जो आज पूरे दिन आप आशीषों से भरे रहोगे। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, पिता तू अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर हे पिता, स्वर्ग से तू अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा मेरे प्रभु हे परमेश्वर, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु आज इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। ओ महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते पिता कि आज पूरी रात इन्हें संभाल कर तूने रखा, हर एक को तू पूरी रात संभाल कर रखा, इन्हें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, इन्हें अच्छी नींद दिया प्रभु, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हे परमेश्वर, जो पूरी रात संभालते हुए आज हे परमेश्वर इन्हें सुबह में तू नया दिन और नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज के नई सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज हे परमेश्वर ये पूरे दिन प्रभु तेरी आशीष से भरे रहे, आज हे परमेश्वर ये पूरे दिन प्रभु तेरी आशीष तेरे अनुग्रह से भरे रहे, इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा ना होने पाए, जो दुख से भरा प्रभु उनके दुखों को दूर कर, जो पीड़ाओं से भरा वो पीड़ाओं से दूर कर, जो बीमारियों से भरा उनकी बीमारियों को दूर कर हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु उनकी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जिनके जीवन में बंधन है, श्राप है, वह सब नष्ट होने पाए हे परमेश्वर, इनके जीवन की गरीबी के श्राप बिल्कुल निकलने पाए हे परमेश्वर। प्रार्थना करते इनके जीवन में छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, हर बीमारी को प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं, इनका जीवन छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे। जो अपने जीवन में निराश रहता है, जो अपने जीवन में उदास रहता है प्रभु, उनकी निराशा को दूर कर, उनकी उदासी को दूर कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनकी निराशा को, इनकी उदासी को दूर करके प्रभु इनके जीवन में बड़ी आशीष आने दे, ताकि हे परमेश्वर ये सदैव तेरे आशीषों में भरे रहें, सदैव तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता, ये तेरे विश्वास ही प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जैसे तूने मार्था के विश्वास, जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे हे परमेश्वर। कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, इनके शरीर की बीमारियां नष्ट होने पाए। जिसके पास संतान नहीं प्रभु, उनके जीवन में तू आशीष दे, ताकि उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए हे प्रभु। मैं प्रार्थना करता जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए
हे परमेश्वर, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्लेटलेट्स नहीं बढ़ता बढ़ने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, हार्ट की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, शरीर के अंदर से नस नस की हड्डी हड्डी की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर दमा HIV TB कैंसर नष्ट होने पाए। उमान परमेश्वर, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, जो है सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर इन्हें चंगा कर, ताकि ये बिल्कुल भले चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दे, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो पढ़ाई लिखाई करते उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, जो सेवकाई करते उन्हें आत्मिक अभिषेक से भर, ताकि वे सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर, तो अपनी आत्मा से हर को भर दे, आत्मिक आग से भर दे, आत्मिक सामर्थ्य से भर दे। ओली बरबासे खेरंदो सोंदोलोर बासा कला अबालाबा सबालाबा सिंदेरे बासा कला मंदिरे। महान परमेश्वर, अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ्य से हरे को भर दे प्रभु, आज इनके जीवन में, आज के सुबह इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके इनके गाँव, इनके नगर, इनके जिले में आशीष दे। हे परमेश्वर, इस प्रदेश में आशीष दे, भारत देश में आशीष दे। हे परमेश्वर, देश के शासन प्रशासन सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो तुझे मानते हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दे, जो नहीं मानते उन्हें भी आशीष दे, ताकि सबके सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।